आपको पता है आज फ्रेंडशिप डे है, सब दोस्ती यारी का दिन मना रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। मना तो हम भी लेते हैं, लेकिन हमारे दोस्त भी कुछ मतलब इस तरीके के हैं कि भाई साहब मनाओ, या तो हम फ्रेंडशिप डे मना लो या दोस्तों को मना लो। मतलब बीवी को मनाना सरल है, दोस्तों को मनाना सरल नहीं है। अभी मैं कहीं गया था तो रेलवे स्टेशन में पहुंचा, भाई साहब बहुत ज़ोर से लगी बाथरूम, बहुत ज़ोर से बाथरूम लगी। तो मैंने कहा भाई साहब पहले जाके जल्दी से करनी है। अब जैसे तैसे तो वो मिला, उसमें लिखा हुआ था शौचालय, उसके बाद उसमें लिखा स्त्री महिला, उसके बाद मैंने कहा भाई साहब इसमें तो हो नहीं पाएगी, चलो और आगे चलते हैं। उसके बाद पहुँचा तो उसमें लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा था, केवल ये लिखा था शौचालय। मैंने कहा ठीक है भाई, ये जगह ठीक है, यहाँ तो कुछ किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, फटाक से जाके होके आते हैं। इतने में मेरा एक दोस्त था, दोस्त जानते हो कैसे होते हैं, वो पीछे से वो बोला, अरे भाई साहब ये तो विकलांग वाली है। बोला ये तो विकलांग वाली है। मैंने तो क्या करूँ भाई साहब, पैर कटवा लूँ तभी मूंदने दोगे, बिना उसके नहीं मूंदने दोगे क्या। तो ऐसे ऐसे दोस्तों ने हद कर रखी है, और मैं तो इतना परेशान हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ होता है मेरे दोस्त मुझे आगे कर देते हैं। अब क्या हुआ, मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ तो मेरे साथ में एक और मेरा दोस्त पढ़ा है, और उसका भी नाम आकाश। अच्छा, उसका भी नाम आकाश, मेरा भी नाम आकाश। अब दो आकाश मिल गए, और कांड करे वो फंस जाऊँ मैं। बोले यही होगा, ये छोटा सा भी है और ये दिखने में भी नटखट सा लग रहा है, बोले इसी को पकड़ लो। तो लोग बाग क्या करें, मैं कोई काम करे वो पकड़ना है मुझे, होली खेले वो मास्टर मेरे पास आ जाए, बोले हाँ जी भाई आकाश निकल के आ जाओ तू ही है। तो मैं फंस गया। हुआ क्या कि एक दिन हम दोनों जा रहे थे, वो भी आकाश मैं भी आकाश। अब दोनों गए तो हुआ ये कि हम दोनों ने टिकट करवाई, लेकिन टिकट नहीं हुई कंफर्म। अब जब टिकट कंफर्म नहीं हुई तो हमने कहा अब क्या करें, तो हम लोगों ने कहा एक काम करते हैं, दोनों का नाम आकाश है और आकाश है हम दोनों, तो एक काम करते हैं कि एक टिकट करवा लेते हैं। तो जैसे ही हमने एक टिकट करवाई और एक टिकट वो तत्काल में तुरंत वो करंट में हमको मिल गई। अब वो जैसे ही हम लोग उसमें पहुंच गए एसी वाले डिब्बे में, तो तुरंत वो टीटी आया, बोले हाँ भाई ये टिकट किसकी है। मैंने कहा भाई आकाश, मैंने अपना आईडी दिखा दिया। थोड़ी देर बाद मैं चला गया और मेरे जाने के बाद में फिर वो आ गया, तो उससे टीटी ने पूछा हाँ भाई तुम कौन हो, उसने कहा मैं भी आकाश। अब दो आकाश हो गए। अब टीटी खुद परेशान, कह रहा भाई साहब ये एक ही आकाश है और आकाश की सीट एक है, दो आदमी कैसे मिल गए। कोई बात नहीं, इतने में मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम आकाश नहीं था, और उसने क्या किया, देखो कमाल की बात, देखो दोस्तों की क्या दोस्ती है। उसने भी बड़े तरीके से, मैंने उसका कहा भाई एक काम करो कि मैंने तो एसी में टिकट करवा लिया है, क्योंकि अपन भी वो दिखा रहे थे, अपना शो ऑफ कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैंने तो एसी में टिकट करवा लिया है, एक काम करो कि यहीं आते हैं अपन लोग, यहीं खाना खाएंगे। बोला ठीक है। अब वो आ गया और इतने में टीटी आया तो सबसे पहले वो ही मिल गया। तो उससे उन्होंने पूछा हाँ भाई सीट कौन सी है, बोले सर M2 में मेरी सीट है 42 नंबर। बोले नाम क्या है, बोले आकाश। अब जैसे ही उसने आकाश नाम लिया, टीटी बोले अच्छा आप ही हैं आकाश, बोले हाँ हाँ, बोले टिकट आप ही ने करी, बोले टिकट दिखाओ। उसने कहा भाई जल्दी टिकट भेज, मैंने फटाफट से तुरंत उसको टिकट भेज दी, मुझे क्या पता। मैंने कहा ठीक है लो। इतने में हम दोनों आ गए। अब टीटी देख रहा, बोले भाई साहब तुम्हारी सीट कौन, मैंने कहा 42 नंबर आकाश। बोले 42 नंबर आकाश। बोले अबे सीट एक है और आकाश 3 है। तो इस तरीके से अब यहाँ तक बात रुकी नहीं, फिर उन दोनों ने क्या किया, बोले सर हमारा नाम आकाश है, टिकट मेरी है, ये आकाश जो है ना दूसरा वाला मतलब मैं, मुझे फंसा दिया। बोले ये जो है ना, ये इसी ने हमको बुलाया है और यही है सारी फसाद की जड़। वो टीटी मुझे ले गए और पैसे मेरे लग गए। मतलब आदमी फ्रेंडशिप डे मनाए तो किस चीज़ का मनाए। मतलब फ्रेंड्स भी ऐसे हैं कि वो वर्थ नहीं कर रहे हैं कि उनके नाम पर मैं फ्रेंडशिप डे मना लूँ। अब एक और बताता हूँ, और फ्रेंड्स की बात छोड़ दो, हमारे तो क्लासमेट ही ऐसे मिले हैं कि जब कोई कांड हो मुझे पहले फंसा दें। अब क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तो हम जहाँ पढ़े हैं, हम पढ़े हैं संस्कृत कॉलेज में। तो संस्कृत कॉलेज में तो आप जानते ही हो कि भाई वहाँ पर तो संस्कृत पढ़ाई जाती है और वो हर किसी को समझ में आवे ना। तो हुआ ये कि हमारे जो
नए नए एक टीचर आए प्रोफेसर जो थे, तो हम डिग्री में थे और बैठे हुए थे। बोले आकाश भाई बढ़िया टीचर आए। मैंने कहा नाम क्या है? बोले इनका नाम है कृष्ण देव शुक्ल। मैंने कहा अच्छा, मैंने बड़े अच्छे शुक्ल लोग आए हैं, मैंने चलो इन्हीं से मिलते हैं। मैंने शुक्ला तो सुना था, शुक्ल पहली बार देख रहा हूँ। मैंने चलो पहुँचे, बोले तुम आगे बैठो। मैंने ठीक है। तो वो बढ़िया थे, अच्छे बढ़िया तिलक विलक लगाए हुए, बिल्कुल धोती पहने हुए। मैंने कहा अब तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो बस उन्होंने पहले ही सूत्र से जो है बोले हरे हे ओम। मैंने कहा अब माहौल जम गया, मैंने ये तो बढ़िया पढ़ाने वाले हैं। अथ शब्दानुशासनम, मैंने कहा अब तो और मज़ा आ गया। मैंने भाई साहब अब तो बिल्कुल वही फीलिंग आ गई जैसे शादी में नहीं आता, बर का हाथ वधु में दे दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः, इनके माता पिता को बुलाइए। तो इतने माता पिता आ जाते हैं। फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रवाह, तो मैंने कहा भाई साहब अब तो माहौल वही जम गया है, अब तो ऐसा लग रहा है सातवां फेरे इन्हीं से ही पढ़वा लेंगे, ये बढ़िया टीचर आ गए। हाँ मतलब शादी तक की जुगाड़ हो गई। लेकिन इतने में ही मैं आगे बैठा था, वो तो जोश में आए, उन्होंने एक सूत्र पढ़ाया संस्कृत का पहले ही। बोले टिड्ढाणाय द्वैसद्दनाय मात्रतये ठठ्ठाय काय कोलपा। मैंने कहा वो तो मैं आगे बैठा। मैंने कहा अरे मास्टर जी पहले ही दिन आके फोड़ दोगे, आदमी ब्याह कैसे करेगा? मैं तो शादी तक की प्लानिंग करके बैठा था, मैं शादी की प्लानिंग करके बैठा हूँ, वो मेरा आँखें ही फोड़ दे रहा है। अच्छा यहाँ तक नहीं रुके, फिर एक दिन और दोस्तों ने कहा नहीं नहीं आज आ रहे, अरे नहीं आकाश आगे बैठो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे आज, मज़ा आ जाएगा। मैं आगे बैठ गया, जय जय भैया बैठे हैं, मैं बैठ गया। मैं अरे गजब कर दिया गुरु, छा गए एकदम। ठीक है अब क्या हुआ कि मेरा पहली सीट पे उन्होंने बिठा दिया। मैंने कहा ठीक है अब समझ में कुछ आवे ना आवे, मैंने की कि कुछ नहीं तो कम से कम मुंह हिला के ऐसे तो कर दें। वो कहें हाँ समझ में आ रहा है? मैंने हाँ आ रहा है। बोले आ रहा है? मैंने हाँ आ रहा है। बहुत देर हो गई? बोले आ रहा है। मैंने ऐसा ना हो ये कुछ पूछ लें, जो भाई मास्टर जी हैं और वो पूछ लेंगे, नहीं बता पाए फिर वो खा लो देर दें। बोले साले अभी तक कह रहा समझ में आ रहा है और अब कुछ बता नहीं पा रहा। मैंने इससे पहले कि ये कुछ पूछें मैं ही इनसे कुछ पूछ लेता हूँ। मैंने कहा बेटा मास्टर जी, मैंने कहा अब हम पूछेंगे तुमसे। बोले तुम पूछोगे, इसके पहले हम तैयार हैं। मैंने ठीक है। अब मास्टर जी पूछने के पहले वो पढ़ा रहे थे, मैंने वो पढ़ा रहे हैं, कह रहे कठोर वचनम अपि असत्यम, उसमें लिखा कठोर वचन भी असत्य होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने कहा सर गुरु जी ये बताइए ये कठोर शब्द क्या होते हैं, कठोर वचन क्या होते हैं? मुझे क्या पता भाई क्या होते हैं। मैंने कहा पूछ लेते हैं, जेन्युइन सा सवाल है। उन्हें क्या बात की पता नहीं क्या गुस्सा ही पूरा, यहाँ पे जैसी महफिल बैठी है सब क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं और गुरुजी सामने मैं आगे बैठा हूँ। मैंने कहा सर कठोर शब्द क्या होते हैं? इतने में ही गुरुजी को आई गुस्सा, बोले पापी खल मायावी दुष्ट दुर्जन दानव हठी दुराग्रही पूर्वाग्रही नीच खल अधम नालायक बदतमीज। और भाई साहब मेरा दिमाग खराब, मैं सन आप लोग तो हंस रहे हो पता नहीं कैसे, भाई साहब मैं तो मैंने कि अब तो मर गए अब थोड़ी बचेंगे, इतनी 20-25-50 गाली इतना तो राम जी ने और लक्ष्मण ने और हनुमान ने मिलकर रावण को नहीं दी होंगी जितनी उनने मुझे दे दी। हटाक रही दुराक रही नीच खला था माया भी पापी इतना सब कह दिया। मैंने कहा अब तो मर गए। इतने में थोड़ी देर बाद जब पूरी क्लास सब चौंक गए, बोले आकाश को आज तो गया आकाश। बोले क्यों? क्योंकि अब ये बचेगा थोड़ी, अब सर तो बहुत गुस्से में हैं इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। इतने में क्या हुआ फिर थोड़ी देर बाद बोले इन्हीं को कठोर शब्द कहते हैं। मैंने धन्य हो ऐसे दोस्त मैंने, तो भैया हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ऐसे दोस्तों से बचा के रखना। ओके थैंक यू गाइस।